हेलो एंड वेलकम टू भूखा ज्वाइन। त्योहारों का समय हो या कोई खुशियों की बात हो, चावल का खीर हर इंडियन घर की सबसे पहली पसंदीदा स्वीट डिश है। और हो क्यों ना, ये हर घर में अवेलेबल रेगुलर इंग्रेडिएंट से बनने वाला बेहतरीन स्वीट डिश है। पर अगर इसे अलग अंदाज से बनाया जाए तो इसके टेस्ट के क्या कहने। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी के बर्तन में इस चावल के खीर को बनाऊंगी। पर मिट्टी के बर्तन को कैसे यूज करते हैं पहले वो देखते हैं। जब भी आप कोई नया मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो उसे गैस पर चढ़ाने से पहले हमें ग्रीस कर लेना चाहिए। पहले तो पानी में इसे हमें धो के डुबो के थोड़ा देर रखना है और उसके बाद इसे ग्रीस करके तभी इसे आप गैस पर चढ़ाएं। मैं इसमें 1 किलो दूध का खीर बनाऊंगी। ये फुल फैट मिल्क है। अब इस दूध को काफी अच्छी तरह से हमें गाढ़ा करना है। खीर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पर एक स्वादिष्ट खीर को बनाने के लिए मिल्क का गाढ़ा होना बहुत जरूरी है। तो बड़े प्यार से थोड़ा सा समय देके हम इस मिल्क को गाढ़ा करेंगे और बीच बीच में कलछन की सहायता से ऊपर से मिल्क को गिराएंगे, जिसमें काफी अच्छा झाग आएगा। जब तक हमारा मिल्क होता है, आइए हम चावल को धो लेते हैं। तो छोटे दाने वाली खुशबूदार राइस जो है वो खीर के लिए अवेलेबल होती है मार्केट में, उसी राइस का हम यूज करते हैं। ये इस टेस्ट को और इंक्रीज करता है। तो चावल को 2-3 पानी से हम अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर उसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा पानी डालकर फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, हम चावल को थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो हम चेक कर लेंगे। आप देखिए इस दूध को काफी देर से उबालने की वजह से कितना अच्छा इसमें झाग सा आ गया है। एक बार दूध हमारा गाढ़ा हो जाए तब फिर बारी है इसमें चावल को डालने की। चावल को हम इसमें डाल देंगे और वापस से बड़े प्यार से, बड़े जतन से और पेशेंस से इस खीर को बनाना है। तो गैस का आंच कम कर दीजिए और कलछन को बार बार हिलाते हुए इस खीर को हमें बनाना है। जब हम बार बार हिलाते हैं तो जब तक चावल पकता है और उसके स्टार्ट से ये जो मिल्क होता है वो एक जैसा गाढ़ा हो जाता है। मैं इसमें 5 टेबल स्पून शुगर डालूंगी। शुगर के डालते ही आप देखेंगे कि ये जो मिल्क है ये थोड़ा सा पतला हो गया। तो वापस से इसे हमें हिला हिला के चलाना है। साथ ही मैं इसमें करीब 4 इलायची, हरी इलायची छोटी वाली, उसे कूट कर डालती हूँ और वापस से इस खीर को करीब 10 मिनट तक हमें पकाना है। जो मिट्टी का बर्तन है इसका बेस काफ़ी हेवी होता है, इसकी वजह से एक बार जब ये गर्म हो जाता है तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। हमारा मिल्क भी एकदम गाढ़ा हो चुका है और चावल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में हमें अब जो भी आपके पसंदीदा नट्स हैं उसे डाल दें और गैस को ऑफ कर दें, क्योंकि ये बर्तन काफ़ी हेवी बेस का होता है तो बहुत देर तक गर्म रहता है। ठंडा होने पे इसे मैं एक मिट्टी के बर्तन में ही सर्व करूंगी। आप देखिए ये कितना टेम्पटिंग और ठंडा होने पे गाढ़ा हो चुका है ये खीर। थोड़ा सा सैफरन वाली मिल्क और अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश करें। तो आप भी बनाइए इस त्योहार में, इस राखी में चावल की खीर अपने घर, और मुझे उम्मीद है सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए भूखा ज्वाइन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।